गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं नैन्सी गौतम। वक्त हो गया है नई सुबह नई खबर का। सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, अयोध्या से जुड़ी हुई है। दरअसल लता मंगेशकर चौक का आज होगा लोकार्पण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका लोकार्पण करते हुए नजर आएंगे और चौक का लोकार्पण सीएम के द्वारा होना है। लोकार्पण कार्यक्रम में वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जुड़ेंगे। तो केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी यहां पर मौजूद रहेंगे। लता मंगेशकर की याद में यहाँ पर बंधा चौराहे का बदला गया है नाम। और आपको बता दें कि रामनगरी में लता मंगेशकर की याद में नया घाट बंधा चौराहे का नाम बदल दिया गया है। नए कलेवर में चौक का लोकार्पण किया जाएगा। कार्यक्रम में लता मंगेशकर के रिश्तेदार भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। चौक के लोकार्पण के बाद जो है रामकथा पार्क का कार्यक्रम भी होगा और जहाँ पर लता जी को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। इसके बाद जो है लता मंगेशकर के भतीजे आदिनाथ मंगेशकर और बहू कृष्णा मंगेशकर का स्वागत वहां पर होगा। कार्यक्रम में कार्यक्रम की बात की जाए तो कार्यक्रम के क्रम में लता मंगेशकर के भजनों की प्रस्तुति प्रख्यात गायिका सावनी रविंद्र महाराष्ट्र द्वारा दी जाएगी। और इसके अलावा लता मंगेशकर चौक के निर्माण को दर्शाती एक लघु फिल्म जो है वो भी दिखाई जाएगी। तो विशेष कार्यक्रम यहाँ पर रहने वाला है। आपको बता दें लता मंगेशकर चौक का लोकार्पण आज सीएम योगी करेंगे। जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। अब राम भक्तों को अयोध्या में प्रवेश के साथ ही स्वर कोकिला लता मंगेशकर की वीणा और भजन के स्वर सुनाई देंगे। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या को विशेष तौर से सजाया संवारा गया है। अयोध्या का मुख्य प्रवेश द्वार नया घाट चौराहे को अब लता मंगेशकर चौराहे के नाम से जाना जाएगा। इसका उद्घाटन करने के लिए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी वर्चुअली तौर पर जुड़ेंगे और लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन करेंगे। स्वर कोकिला के सम्मान में एक वॉल आर्ट भी तैयार की गई है। ये वॉल आर्ट 10 फीट ऊंची है। लता मंगेशकर चौराहे पर अब आपको 12 मीटर ऊंची वीणा की मूर्ति देखने को मिलेगी जो 14 टन भारी है। इसे प्लेटफॉर्म पर स्थापित करने के लिए क्रेन का सहारा लेना पड़ा। इस प्रोजेक्ट के लिए 7.90 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया था। पद्मश्री से सम्मानित कलाकार राम सुतार ने इस मूर्ति को बनाया है। अगस्त से ही इस पर काम शुरू कर दिया गया था। इस मूर्ति को बनाने में 2 महीने का वक्त लगा। अयोध्या के इस नया घाट चौराहे को अब लता मंगेशकर के नाम से जाना जाएगा। इस चौराहे पर लता मंगेशकर के नाम से जाने जाने के लिए 12 मीटर लंबी एक वीणा लगाई गई है। साथ ही इसे जो है एक सुसज्जित रूप दिया गया है जिससे आने वाले पर्यटक हो या श्रद्धालु एक अनुभूति प्राप्त कर सके। आपको बता दें कि ये योजना लता मंगेशकर के निधन के बाद आनन फानन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा के मुताबिक बनाई गई, जिसकी घोषणा सीएम योगी ने की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस बीच एक बड़ी खबर को बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद का बड़ा फैसला। यूपी के मदरसों को लेकर परिषद ने लिया है बड़ा फैसला। मदरसों की समय सारणी में बदलाव कर दिया गया है। अब केवल 6 घंटे चलेंगे यूपी के मदरसे। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, मदरसे अब 6 घंटे ही चलते हुए नजर आएंगे। सुबह 9 बजे दुआ और राष्ट्रगान के साथ इसकी शुरुआत होगी और दोपहर को 3 बजे तक जारी रहेगा शिक्षण कार्य। अध्यक्ष डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने इसकी जानकारी दे दी है। तो मदरसों के समय में बदलाव हो चुका है, 6 घंटे चलते हुए नजर आएंगे मदरसे। और बड़ी जानकारी आपको दे दें, सुबह 9 बजे इसकी शुरुआत होगी, दोपहर 3 बजे तक जो है जारी रहेगा शिक्षण कार्य। योगी कैबिनेट ने जैव ऊर्जा नीति को मंजूरी दे दी है और इसके साथ ही एमएसएमई नीति को भी मंजूर कर लिया है। लोक भवन में योगी कैबिनेट की बैठक हुई है जिसमें 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने मुजफ्फरनगर और साथ ही गोंडा की कटरा बाजार नगर पालिका परिषद के सीमा विस्तार को हरी झंडी दिखा दी है और इसके अलावा राज्य योजना आयोग के पुनर्गठन का प्रस्ताव भी मंजूर कर लिया है। केंद्र की नीति आयोग की तर्ज पर स्टेट
ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन बनेगा और मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। इसके साथ ही जो है राज्य सरकार अयोध्या में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए 10 एकड़ नजूल भूमि नगर विकास विभाग को मुफ्त देगी। इसके अलावा राज्य सरकार अयोध्या को धार्मिक नगरी के रूप में विकसित करा रही है। और भी बड़े फैसले लिए गए हैं। श्री राम मंदिर बनने के बाद जो है यहाँ पर आने वालों की संख्या में भारी इजाफा होगा और इसी वजह से जो है सीवर की बेहतर व्यवस्था करने के लिए जो है एसटीपी का निर्माण किया गया। विभिन्न प्रकार के जो बायो मटेरियल हैं, जो रॉ मटेरियल जिसको कह सकते हैं या वेस्ट मटेरियल है, उस सबका एग्रीगेशन करने के लिए, सबको इकट्ठा करने के लिए ये भी व्यवस्था की गई है कि तहसीलों में इस तरह के हमारे जो फार्मर्स के प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है या हमारी मंडी समितियां हैं या अन्य ऐसे जो सरकारी या पंचायत राज से जुड़े हुई संस्थाएं हैं, वो लोग अगर आगे आते हैं तो उन्हें भी हम प्रोत्साहित करेंगे इस नीति के तहत। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने अखिलेश यादव से समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष एक मुस्लिम नेता को बनाने की धमकी दी है। आज से सपा का लखनऊ में राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो रहा है और ऐसे में ये धमकी बड़े मायने रखती है। शहाबुद्दीन ने यह भी कहा कि अगर अखिलेश ऐसा नहीं करते तो मुसलमानों के पास दूसरी पार्टियों के विकल्प भी हैं। शहाबुद्दीन ने समाजवादी पार्टी पर मुसलमानों से धोखा करने का आरोप भी मढ़ दिया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की स्थापना 4 अक्टूबर 1992 को हुई थी और इसके बाद से लगातार इस पार्टी के मुखिया जो है मुलायम सिंह यादव बने रहे। कभी किसी मुसलमान को अध्यक्ष पद पर नहीं बैठाया गया ना बनाया गया, वहीं पर मुलायम सिंह के बाद उनके बेटे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पद पर बैठ गए हैं और अब आज होने वाले अधिवेशन में उनको दोबारा से समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बनाने की तैयारी भी चल रही है। जबकि समाजवादी पार्टी की जब सरकार बनी है मुसलमानों के वोटों से बनी है, इसलिए मुसलमानों को इस हिसाब से ज्यादा तरजीह दी जानी चाहिए। राष्ट्राध्यक्ष समाजवादी पार्टी का किसी मुसलमान को बनाना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों ने मुलायम सिंह की कई बार हुकूमतें बनाई, खुद अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री मुसलमानों ने बनवाया, मगर अब वो समाजवादी पार्टी जो पहले थी वो अब नहीं रही। काफी चेंजिंग है, काफी समाजवादी पार्टी में बदलाव है। आगे बढ़ेंगे। बिजनौर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। नगर निकाय और एमएलसी चुनाव में सभी सीटों पर कमल खिलेगा कहते हुए नजर आए हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में भी सभी 80 सीटें जीतने का दावा किया है। बीजेपी सबका साथ सबका विकास के आधार पर काम कर रही है। सरकार की योजनाओं के आधार पर जनता से वोट मांगेगी बीजेपी। भूपेंद्र चौधरी ने जिला पंचायत कार्यालय के नए भवन का लोकार्पण किया। बता दें कि शिक्षक स्नातक की विधान परिषद की 5 सीटों पर जनवरी फरवरी 2023 में चुनाव प्रस्तावित है। बीजेपी सांसद रवि किशन से जालसाजी का मामला सामने आया है। घर को लेकर सांसद रवि किशन से ठगी का मामला सामने आया। रवि किशन ने मुंबई के बिल्डर पर दर्ज कराया मुकदमा। दरअसल मामला यह है कि बिल्डर पर 3.25 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप लगा है। बिल्डर के सभी चेक जो है बाउंस हो चुके हैं। इसका मामला है, मामला जो है साल 2012 का है। रवि किशन ने बिल्डर को घर के लिए 3.25 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन बिल्डर ने घर नहीं दिया है, जिसके बाद बिल्डर ने पैसे वापस करने के लिए 34 लाख के 12 चेक रवि किशन को दिए, लेकिन ये चेक बाउंस हो गए। जनपद गोरखपुर के कैंट थाना अंतर्गत आज एक 406 आईपीसी का मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें गोरखपुर के सांसद श्री रवि किशन शुक्ल द्वारा यह सूचना दी गई कि 2012 में उन्होंने 3.25 करोड़ रुपए एक कमला बिल्डर नाम के संस्था को मुंबई में दिए थे। वो पैसे लौटाने के लिए उन्होंने 34 लाख रुपए के एवज में 12 चेक दिए थे। वो चेक बैंक ऑफ इंडिया गोरखपुर में बाउंस हो गए। उसके बाद में ये सूचना थाना कैंट को दी गई एवं उसके लिए 406 आईपीसी का मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। रामपुर में आजम खान पर 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिसमें से उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये कहना है एसपी अशोक कुमार शुक्ला का। उन्होंने कहा कि कोई भी मुकदमा जब दर्ज होता है तो उसकी जांच होती है, एविडेंस जुटाए जाते हैं, धाराएं बढ़ती हैं, कम होती हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है कार्रवाई भी होती है। बता दें कोर्ट में भड़काऊ भाषण मामले में आजम खान का बयान दर्ज होना है। अब पुलिस को कल कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार होगा।
फिलहाल आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव के लिए यूपी से डेलीगेट्स बनाने की मांग 17 अक्टूबर को होना है और आपको बता दें कांग्रेस अध्यक्ष के लिए मतदान 30 सितंबर तक होना है। तो कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन होना है और फिलहाल यूपी से कांग्रेस अध्यक्ष के लिए किसी ने नहीं किया है नामांकन। तो कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव के लिए यूपी से डेलीगेट्स बनाने की मांग है। दरअसल यूपी से किसी ने भी नामांकन नहीं किया है। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अगली खबर की। सरदार भगत सिंह की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में बागपत से बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह ने शिरकत की है। उन्होंने बताया कि जिन जनपदों से आजादी और शहीदों का जुड़ाव रहा है उन जनपदों में सरकार फ्रीडम वॉल बनाने जा रही है। वहीं पर कार्यक्रम में सत्यपाल सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जाट गुर्जर राजपूत से बिरादरी के चक्कर में ना पड़कर एकजुट होने की अपील करते हुए वो नजर आए। तो भगत सिंह की जयंती पर यह विशेष कार्यक्रम आयोजित होता हुआ नजर आया है। अब बात करेंगे अयोध्या की। अयोध्या में बने योगी मंदिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिमा को हटा लिया गया है। जिस जमीन पर यह मंदिर बना है वह सरकारी जमीन है और इस मुद्दे को लेकर विवाद हो गया है, जिसके बाद जो है प्रशासन ने मंदिर से प्रतिमा को हटवा दिया है। हालांकि मंदिर बनवाने वाले प्रभाकर मौर्य ने उस समय बताया था कि मंदिर में स्थापित मूर्ति राजस्थान से विशेष ऑर्डर देकर जो है बनवाई गई है, जबकि बाराबंकी के कलाकार ने दावा किया कि ये प्रतिमा उसने बनाई है और उसने प्रभाकर मौर्य के राजस्थान से विशेष ऑर्डर देकर मूर्ति बनाने के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। तो मूर्ति को लेकर भी अब नया विवाद छिड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिस पर कहा जा रहा है कि ये मूर्ति बनाने वाला व्यक्ति कोई और ही है। अब बात करेंगे कानपुर की। कानपुर के चुन्नीगंज में मजार में किए जाने वाले अवैध निर्माण को लेकर जमकर हंगामा हुआ है। बता दें कानपुर में पीडब्ल्यूडी के सरकारी आवास बने हुए हैं जहां पर अधिकारियों के बंगले भी हैं। उन्हीं में से एक बंगले में बनी हुई मजार और उसके निर्माण कार्य की सूचना जो है बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे थे सूचना पर और हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद मौके पर कर्नलगंज थाने समेत 3 थानों की फोर्स वहां पर पहुंचती है और निर्माण कार्य को रुकवाया गया। अब खबर वाराणसी से है। बाहुबली बिल्डर रामगोपाल सिंह की गिरफ्तारी का यह मामला है। गिरफ्तार धोखाधड़ी के आरोप में किए गए हैं रामगोपाल सिंह की गिरफ्तारी। सत्य साई बाबा इंफ्रा प्रोजेक्ट कंपनी का निदेशक है रामगोपाल और कई रसूखदार नेताओं से संबंध है रामगोपाल के। साल 2019 में रामगोपाल के घर के सामने पूर्व डीआईजी सभाजीत सिंह के बेटे की गोली मारकर हत्या भी हुई थी। डीआईजी के बेटे की हत्या में शामिल था। रामगोपाल का पार्टनर पंकज चौबे रामगोपाल पर हत्या की साजिश करने का आरोप भी लगा है। अब खबर बताएंगे कन्नौज से। शख्स ने पत्नी को फोन पर दिया 3 तलाक। 3 तलाक का मामला सामने आया है। आपको बता दें कम दहेज मिलने की वजह से बताया जा रहा है कि 3 तलाक दे दिया है। पति ने पहले पत्नी को पीटा फिर घर से भगा दिया। पीड़िता ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है और गुड़ सहायगंज कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मशपुरवा गाँव का मामला है। कानपुर में पिटबुल और रॉटवीलर ब्रीड के डॉग पालने पर प्रतिबंध लगने के बाद जो है डॉग लवर्स का गुस्सा देखने को मिल रहा है। दर्जनों लोगों ने कानपुर में नगर निगम मुख्यालय पर पहुंचकर विरोध जताते हुए मेयर से अपने डॉग को घर में रखने की मांग की है। उनका कहना है किसी भी हालत में वे लोग जो है डॉग्स पर कार्रवाई नहीं होने देंगे। आपको बता दें कि बीते दिनों जो है नगर निगम सदन में मेयर प्रमिला पांडे ने प्रस्ताव पारित करते हुए खूंखार नस्ल के कुत्तों को शहर में पालने पर प्रतिबंध लगा दिया था। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर्स ने एक मरीज के पेट से एक नहीं बल्कि एक के बाद एक 63 स्टील के चम्मच निकाले हैं।
मरीज की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। दरअसल जिस शख्स के पेट में चम्मच मिली उसका नाम विजय बताया जा रहा है, वो नशे का आदि है, जिसके चलते विजय के परिजनों ने उसे 5 महीने पहले नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया था, जहां पर तबीयत बिगड़ी तो उसे मुजफ्फरनगर के एक निजी हॉस्पिटल में लाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन किया तो उसके पेट से 63 स्टील के चम्मच निकाले गए। अब बात करेंगे अमेठी की। अमेठी में दलित सफाई कर्मी की पिटाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल बीजेपी के जिला महामंत्री सुधांशु शुक्ला पर दलित सफाई कर्मी की पिटाई करने का आरोप लगा है, जिसके खिलाफ जो है आज सफाई कर्मचारियों ने सड़क पर जाम किया, प्रदर्शन किया है, जिसके बाद अमेठी कोतवाली में बीजेपी नेता सुधांशु शुक्ला के खिलाफ हरिजन एक्ट समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। उधर जिला बीजेपी अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले को लेकर जांच कराने की मांग की है। अब बात करेंगे कौशाम्बी की। कौशाम्बी में स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुलने वाला एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक व्यक्ति अपनी पत्नी को कंधे पर उठाकर उसे वार्ड तक ले जाता हुआ नजर आया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। बताया जा रहा है कि जिला अस्पताल में स्ट्रेचर नहीं मिलने की वजह से जो है उसे पत्नी को कंधे पर उठाकर वार्ड तक ले जाना पड़ा है। वायरल हुआ है वीडियो, और वायरल वीडियो जो है जिला मुख्यालय मंझनपुर जिला अस्पताल का बताया जा रहा है, जहां पर एक गर्भवती महिला को डिलीवरी के लिए भर्ती कराया गया था। जब महिला के पति ने जिला अस्पताल के कर्मचारियों से स्ट्रेचर की मांग की तो उन्होंने स्ट्रेचर नहीं दिया। पति पहले तो इधर उधर भागता रहा, भटकता रहा, इसके बाद जो है मजबूरी में उसे पत्नी को कंधे पर उठाकर वार्ड में ले जाना पड़ा है। स्ट्रेचर नहीं दिए, नहीं मिल पाया, क्या समस्या है? अब खबर है अंकिता मर्डर केस से जुड़ी हुई। दरअसल एसआईटी ने करीब 1 घंटे तक वरंतरा रिजॉर्ट में जांच पड़ताल की है, और छानबीन के बाद जो है एसआईटी हेड डीआईजी पी रेणुका ने जानकारी दी है कि रिजॉर्ट से एक स्कूटी और एक मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया है। साथ ही उन्होंने इस मामले में रिजॉर्ट में काम करने वाली लड़कियों के बयान भी दर्ज करने की जानकारी दी। इस मामले को लेकर लगातार जांच आगे बढ़ती जा रही है, तमाम सबूतों को खंगाला जा रहा है, और अन्य जो लोग वहां पर कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो महिला कर्मचारी है, उनसे भी बातचीत की गई है, उनके बयान भी दर्ज किए गए हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद ऋषिकेश समेत यमकेश्वर विधानसभा के क्षेत्रों के लोग जो हैं आरोपियों को फांसी दिलाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर समाज में ऐसे दरिंदों को फांसी नहीं होगी तो बेटियों को बचाना मुश्किल होगा। साथ ही उन्होंने मांग की है कि जिस रिजॉर्ट में अंकिता के साथ ये घटना हुई है उस जगह को सरकार बेचकर पीड़ित परिवार को मुआवजा दे। सत्यकांड को लेकर जो है लगातार लोग बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। ये स्कूली बच्चे भी आप देख सकते हैं किस तरह से अपना विरोध जताते हुए नजर आए हैं। अब इटावा की बात करेंगे। इटावा में 6 साल की मासूम से रेप की वारदात सामने आई है। प्रधान के बेटे पर लगा है बच्चे से रेप करने का आरोप। पुलिस मुकदमा दर्ज कर चुकी है और आरोपी की तलाश में जुटी है। बच्ची जब स्कूल जा रही थी तभी आरोपी ने रेप किया है, और पीड़ित के परिजनों ने बस रेहर थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। पिछले दिनों हुई बारिश के बाद, भारी बारिश के बाद जो है काफी नुकसान देखने को मिला है। उसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है सब्जियों पर। सब्जियों के दाम जो है आसमान छूने लगे हैं। आलू की बात की जाए तो 25 से 30 रुपए प्रति किलो, फूल गोभी की बात की जाए तो 80 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल रहा है। टमाटर की बात की जाए तो इसका भी रेट बढ़ चुका है, 40 बताया जा रहा है, और बीन्स की बात की जाए तो ये 60 से 70 रुपए के बीच में बिकता हुआ नजर आ रहा है, और प्याज 40 रुपए से ज्यादा बढ़ती हुई इसकी कीमत नजर आई है। बारिश के चलते जो है सब्जियां पहाड़ों में खराब हो गई है, और इसी वजह से सब्जियों के दाम भी बढ़ गए हैं। सब्जी कारोबारियों ने उम्मीद जताई है कि अगर अब बारिश नहीं हुई तो सब्जी के दामों में थोड़ा गिरावट संभव होगी। बेमौसमी वर्षा के कारण प्लेन्स की सब्जियां हों चाहे पर्वतीय क्षेत्र की सब्जियां, दोनों ही प्रभावित हुई हैं, और इसके कारण जो, और ये अभी तक साथ चल रहे थे और अब जो है ये नवरात्रियां शुरू हो गई हैं, तो जिसमें एक्स्ट्रा डिमांड जो है सब्जियों की बढ़ गई है, और इसके कारण सब्जियों के रेटों में और फल में तेजी आई हुई है।
अब बात करेंगे उत्तरकाशी की। उत्तरकाशी के सुदूरवर्ती विकास खंड मोरी का आराकोट चीवा बालचा मुख्य मोटर मार्ग जो है बारिश से मोल्डी के पास पिछले 7 दिनों से बंद है। मोटर मार्ग बंद होने से क्षेत्र के लोग जो हैं जंगलों के रास्ते पैदल आवागमन कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे यहाँ पर बच्चे हैं, ग्रामीण हैं, मोटर मार्ग बंद होने से खतरनाक पैदल रास्तों से सफर करते हुए नजर आए हैं। ये देखिए किस तरह से ऊंची पहाड़ियों पर चढ़ रहे हैं लोग और रास्ते यहाँ पर खराब है, इसकी वजह से इनकी मजबूरी है यहाँ से गुजरना। यहाँ पर लगातार भारी भूस्खलन हुआ है और यहाँ तक कि भूस्खलन क्षेत्र के ऊपर जंगलों में बड़ी बड़ी दरारें भी पड़ी हुई हैं जो कि किसी बड़े लैंडस्लाइड को न्योता भी देती है। मोल्डी के पास हुए भूस्खलन से कुछ वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है। रोड बंद है और पिछले 3 दिन से मैं भी आराकोट में रोड का इंतजार कर रहा था कि कब बॉर्डर रोड खुलेगी और मैं घर पहुंचूंगा, पर आज मजबूर होकर हमें पैदल चलने को मजबूर है। आप देख सकते हैं हमारे सामने हमारे पीछे जो रोड है पूर्ण रूप से खत्म है और यहाँ पे आप डायरेक्ट स्पीड देख सकते हैं और हम इस बारे में लिख लिख कर बोल बोल कर थक चुके हैं। तो मैं विभाग द्वारा इस स्थल पर कोई भी सुरक्षा को कार्य नहीं किया गया, तो आज आप देख सकते हैं इस भाग ने एक विशाल रूप ले लिया है।